तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था उसके बारे में, और आपको बताएंगे उस मैच के बारे में। वो मैच खत्म हो चुका है और इंडिया उस मैच को पूरी तरीके से जीत चुकी है। साउथ अफ्रीका ने दो फारिज खेली है, दो इनिंग खेली है, लेकिन इंडिया की एक इनिंग की बराबरी नहीं कर पाई और अपने 10 के 10 विकेट दोनों पारियों में गंवा बैठी और इसी वजह से हार गई। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि साउथ अफ्रीका कितने रन बना पाई और इंडिया ने कितना टारगेट दिया था फर्स्ट इनिंग के तौर पर। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले मैचेस के हाइलाइटेड पॉइंट सबसे पहले। तो आपको बता दें, इंडिया ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और पहले इनिंग खेली। पहले इनिंग खेलते हुए उन्होंने 497 रन बना दिए 9 विकेट खोकर, और इसके सामने अब 498 रन बनाने थे दोनों इनिंग्स को मिलाकर, या एक इनिंग को कह सकते हैं हम। ड्रॉ हो सकता था ये मैच, चांसेस थे, लेकिन साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से फेल हुई ड्रॉ कराने में और जीतने में, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग खेली और 162 रन पर ही सारे के सारे विकेट खो दिए। वहीं दूसरी इनिंग खेली और 133 रन पर ही सारे के सारे विकेट खो दिए। यानी कि अगर टोटल स्कोर की बात की जाए तो 295 रन स्कोर बना और 202 रन से साउथ अफ्रीका यह मैच हार गई। अगर बात की जाए इस मैच के कुछ स्टार परफॉर्मर्स की, तो इंडिया की तरफ से बैट्समैन में आते हैं रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। रोहित शर्मा ने 212 रन बनाए 255 गेंदें खेलकर, वही अजिंक्य रहाणे ने 115 रन बनाए 192 गेंद खेलकर। वही रविंद्र जडेजा, जो कि ऑलराउंडर के तौर पर है इस मैच में, उन्होंने भी 51 रन बनाए 119 गेंदें खेलकर। वहीं अगर बात की जाए इंडियन बॉलर्स की, तो उसमें पहले इनिंग में उमेश यादव उभर के आए जिन्होंने 3 विकेट लिए 40 रन देकर 9 ओवरों के अंदर। वही रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए 19 रन दिए 14 ओवरों के अंदर। वही मोहम्मद शमी, जो कि दूसरी इनिंग के स्टार परफॉर्मर रहे और उन्होंने 10 ओवर फेंके 10 रन दिए और 3 विकेट लिए। वहीं शहबाज नदीम को 2 विकेट हासिल हुए 18 रन देकर 6 ओवरों के अंदर। बात की जाए अगर अब साउथ अफ्रीका के स्टार परफॉर्मर्स की, बैट्समैन और बॉलर्स की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा रन पहली और दूसरी इनिंग को मिलाकर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रन जुबैर हमजा ने बनाए, जिन्होंने एक इनिंग में 62 रन बनाए। वही दूसरी इनिंग में कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। वहीं जॉर्ज लिंडे ने 37 रन बनाए 81 गेंदें खेलकर, वही दूसरे मैच में यानी दूसरी इनिंग के अंदर 27 रन बनाए 55 गेंदें खेलकर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों इनिंग मिलाकर सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी देखने को मिली है साउथ अफ्रीका के द्वारा, और यही बड़ा कारण थी साउथ अफ्रीका की हार का, कि साउथ अफ्रीका दो इनिंग खेलकर भी एक इनिंग इंडिया की एक इनिंग तक भी पहुंच नहीं पाई। वहीं बात की जाएगा साउथ अफ्रीका के स्टार बॉलर्स की, तो इसमें जॉर्ज लिंडे एवं कागिसो रबाडा आते हैं। जॉर्ज लिंडे ने 4 विकेट लिए 133 रन देकर 31 ओवरों के अंदर। वही कागिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए 85 रन देकर 23 ओवरों के अंदर। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे मैच के हाइलाइटेड पॉइंट्स से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।